दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय बिग हट्टी सुपर मॉल ज्वाली। यहां पर रोजमर्रा प्रयोग होने वाली सभी वस्तुएं ब्रांडेड क्वालिटी में MRP से नीचे उपलब्ध है। जिला परिषद मैराबाड़ से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मनमोहन सिंह ने आज खरोटा पंचायत के बनाड़ा गांव में चुनाव प्रचार किया और लोगों से वोट रूपी आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में गांव वासियों ने भाग लिया और मनमोहन सिंह का समर्थन किया, उनके पक्ष में जोरदार नारेबाजी भी की। इस अवसर पर मनमोहन सिंह ने कहा कि वह जिला परिषद बाढ़ का सभी पंचायतों का दौरा कर चुके हैं और हर पंचायत में उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो विकास कांग्रेस के समय हुआ आज भी वही है। भाजपा ने अपने 3 साल के कार्यकाल में इन पंचायतों में विकास के नाम पर फूटी कौड़ी खर्च नहीं की है। लोग भाजपा के वर्तमान विधायक की बदला बदली की राजनीति से तंग आ चुके हैं, इसलिए उन्हें हर पंचायत में हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने भाजपा विधायक को घेरते हुए कहा कि वह विधायक बनने से पूर्व कांग्रेस के पूर्व मंत्री चंद्र कुमार पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे। चंद्र कुमार ने तो 30 साल की राजनीति के बाद अपने पुत्र को राजनीति में उतारा, लेकिन ज्वाली के विधायक का पुत्र वो पंचायत चुनावों में ही जाग गया और परिवारवाद की राजनीति शुरू कर दी है, जबकि इस छोटे चुनाव में आम कार्यकर्ताओं का मौका मिलना चाहिए था। मुझे यहाँ पे भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग जो हैं अब बोल उठे हैं, इनकी जो जनविरोधी नीतियाँ थी उनके खिलाफ जो है वो लोगों का जो है रोष निकल रहा है। अभी आपने देखा हमारे ज्वाली में नगर पंचायत के चुनाव हुए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है और आगे आने वाले इन पंचायत चुनावों में भी लोग जो है वो मुझे पूरा समर्थन दे रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जो जीत सुनिश्चित करेंगे ये लोग। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग कांग्रेस के ऊपर ये लांछन लगाते थे आज वो खुद ही इस दलगत राजनीति में फंस चुके हैं। अब देखिए ये जो हमारे विधायक हैं पिछले विधानसभा चुनावों में चौधरी चंद्र कुमार जी के ऊपर लांछन लगाते थे कि ये पुत्र मुँह में फंसे हुए परिवारवाद में हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उस समय नीरज भारती जी जो जिन्होंने चुनाव लड़ा था तो चौधरी चंद्र कुमार जी के 30-35 साल के राजनीतिक कैरियर के बाद जो उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, मौजूदा विधायक तो राजनीति के अपने सत्ता के जो 3 साल नहीं गुजार पाए, उनका पुत्र मोह जो है 3 साल में जाग गया और वो भी ऐसे प्लेटफार्म पे। ये जो पंचायत का चुनाव है वो किसी आम कार्यकर्ता का चुनाव होता है, उसमें ही इन्होंने अपने पुत्र को उतारा और आने वाले समय में अब लोग जो हैं इनको जो आईना दिखाने वाले हैं। मेरा जो विजन है वो हमेशा से यही रहा है, सबका साथ सबका विकास। हर एक आदमी की आवाज़, जब कमज़ोर आदमी की आवाज़ बनना, उसकी आवाज़ को उठाना। हमने जो है हमेशा संगठन में काम किया है और जो भी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं हमने उनको बढ़ावा दिया है और लोगों के साथ मैं हमेशा से ही जुड़ा रहा हूँ और आगे भी उनकी आवाज़ को उठाता रहूँगा। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा।